हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडर विजिट्स। क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां किसी भी घर के बाहर दरवाज़ा ना हो, जहां दुकानों को कभी तालों से बंद ना किया जाता हो, और सबसे बड़ी बात, वहां के लोगों को ऐसा करना कभी भी असुरक्षित नहीं लगता हो। शायद ऐसी जगह के बारे में आपने किस्से कहानियों में सुना होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में शनि शिंगनापुर नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ के सभी लोग अपने घरों और दुकानों को कभी तालों से बंद नहीं करते, और सबके आश्चर्य की बात यह है कि इस जगह में आज तक एक भी चोरी नहीं हुई है। इसके पीछे वहाँ के लोगों की एक धार्मिक आस्था जुड़ी है। शनि शिंगनापुर के लोगों का मानना है कि इस गांव की रक्षा स्वयं भगवान शनि करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 300 साल पहले शिंगनापुर में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे वहां बाढ़ आ गई। बारिश और बाढ़ के बाद लोगों को पनास नाला नदी के किनारों में एक शिला दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने ऐसा अजीबोगरीब पत्थर पहले कभी नहीं देखा था। जब एक आदमी ने उस शिला पर जैसे ही कोई नुकीली चीज मारी, उस पत्थर से खून बहने लगा। वह यह सब देखकर डर गया और गांव वापस आ गया। उस रात शनिदेव एक गांव वाले के सपने में आए और कहा कि वह खंड उनकी मूर्ति है। शनिदेव ने आदेश दिया कि उस खंड को गांव में रखा जाना चाहिए, जहां वो विराजमान रहेंगे। उस आदमी ने सभी गांव वालों को यह बात बताई। सभी लोग पनास नाला नदी के पास गए और उस खंड को उठाने के काफी प्रयास किए, लेकिन कोई उसे हिला तक नहीं पाया। शनिदेव उसी व्यक्ति के स्वप्न में दोबारा आए और मूर्ति उठाने का एक मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि कोई सगे मामा भांजा उसे उस जगह से उठा सकते हैं। अगले दिन गांव वालों ने वैसा ही किया और उनकी मूर्ति को गांव में स्थापित किया। तब शनिदेव ने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और गांव को खतरे से बचाने का वादा किया। मूर्ति को स्थापित करने के बाद वहां के लोगों ने सभी दरवाजे को हटाने का निर्णय लिया, क्योंकि अब भगवान उनकी निगरानी करने के लिए स्वयं मौजूद थे। शनि शिंगनापुर के निवासियों का मानना है कि जो व्यक्ति चोरी करेगा वह अंधा हो जाएगा। यह परंपरा पीढ़ियों तक जारी रही। स्थानीय लोगों के पास अब भी कोई स्थायी दरवाजे नहीं हैं। वे अपने पैसों और गहनों को भी लॉक करके नहीं रखते। उनका विश्वास है कि उनके देवता उन्हें हर दुर्घटना से बचाएंगे। यहाँ तक कि गांव के सार्वजनिक शौचालयों के प्रवेश द्वार पर भी दरवाजे नहीं लगे हैं, सिर्फ पर्दे हैं। अपने इसी अनोखेपन के कारण आज शनि शिंगनापुर पूरे भारत के लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ रोजाना कम से कम 40,000 लोग मंदिर के दर्शन करने और घूमने आते हैं।